काउंटिंग ऑब्वियसली काउंटिंग इजी हो सकती है, बट काउंटिंग एट अ टाइम बहुत टेडियस भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन अ क्वेश्चन, राइट। ये जो प्रॉब्लम्स तुम देखोगे, ऐसा नहीं है कि ये तुम फर्स्ट टाइम देखोगे, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं व्हिच यू हैव डेफिनेटली इनकाउंटर्ड इन डे टू डे लाइफ, या फिर हो सकता है कि लास्ट ईयर ही किया हो, लास्ट लास्ट ईयर किया हो, यू नेवर न्यू अबाउट दिस चैप्टर, तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं थी, बट जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम कहीं ना कहीं फेस करते आए हो, बिकॉज यू हैव समवेयर यू हैव काउंटेड समथिंग, राइट। एंड व्हेनेवर यू आर काउंटिंग, दैट प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू पीएनसी ओनली, दैट विल सी। फॉर एग्जांपल सपोज तुम्हारी टीम ने किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और 10 टीम्स हैं, 10 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए टूर्नामेंट, फुटबॉल क्रिकेट जो भी ले लो, नॉकआउट टूर्नामेंट है, ठीक है, नॉक यू नो व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, एक टीम दूसरे से खेलेगी और जो हारेगी वो नॉक नॉक वो डाउट, बाहर अब उसको सेकेंड सेकेंड चांस नहीं मिलने वाला। यस, मैक्सिमम पॉसिबल गेम्स कितने होंगे अर्पित? अगर 10 टीम्स खेल रही हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट है, एक ही मैच होता है दो टीम्स के बीच में, फाइव मैक्सिमम कितने मैचेस होंगे टू हैव वन विनर, इवेंचुअल विनर, एक विनर होना चाहिए, अब बताओ अर्पित। सर, सिर्फ राउंड वन नॉकआउट होगा ना? नहीं, ऑल मैचेस आर नॉकआउट मैचेस, तो मैचेस पर हरा राउंड नंबर हो टू में तो ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगे, तो उसमें मतलब काउंट कैसे करना है? अरे, नाइन मैचेस, तो भाई जब ऑड होंगे तो दो दो के मैच करा देंगे, एक एक को बाय दे नाइन देंगे, मैचेस एक आगे पहुंच जाएगा। 9 मैचेस कैसे ओके काउंट किया? बाय देना। 9 मैचेस कैसे हुए? 9 मैचेस एक्सप्लेन करो। उसने हमेशा डिवाइड बाय टू किया, और जब एक बाकी था तो उसको बाय दे दिया। तो पहले हमने जब 10/2 किया, राइट, यानी 5 मैचेस हो गए, 5 मैचेस हुए और इवेंचुअली 5 टीम्स नॉक्ड आउट हो गई, तो 5 टीम्स आर रिमेनिंग। अब 5/2 तो कर नहीं सकते, तो 5 को हमने डिवाइड किया 4+1 में, इन 4 के मैचेस कराए, यानी 4/2 मैचेस, और एक को फिर से, मतलब एक को बाय दे दिया हमने मान लो। तो अब ये यहाँ पर 3 टीम्स, 3 टीम्स और बचती है। मैचेस कितने हो गए? मैचेस हो गए 5+2, है ना, 2 मैचेस। अब 3 टीम्स बची हुई है, तो एक बार फिर 3 को लिखा मैंने 2+1, इन दो का एक मैच और हो गया, 1 मैच, राइट। तो यहां से भी एक बंदा आया। अब 2 टीम्स बची हैं, तो दो दो टीम्स का एक मैच और हो गया, टोटल 9 मैचेस, राइट। अगर 100 टीम्स होती तो आंसर क्या होता? 99 कैसे कैसे, ये तुमने ऑब्जर्व कर लिया, 10 का 9 आया तो 100 का 99 आएगा। नहीं, 99 तो नहीं होगा। वी आर काउंटिंग, राइट, वी आर काउंटिंग, एंड दिस मेथड ऑफ काउंटिंग इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर आ रही हैं तो बाई टू करके, और यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस काउंट कर रहे हैं। जैसे ऑड नंबर आता है, एक टीम को बाई दे देते हैं और बाकी जो है मैचेस काउंट कर लेते हैं। सर 90 है क्या? ये तो मजदूरी हो गई ना। नहीं, 99 इज करेक्ट, बट मैं भी पूछूं 99 उसने काउंट कैसे किया। व्हाट कुड बी अ स्मार्टर वे टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, एक बेटर मेथड? यस, 100 टीम्स के लिए आंसर 99 मैचेस ही है। नाउ आफ्टर नोइंग द सॉल्यूशन, नोइंग द आंसर, कैन यू थिंक ऑफ अ बेटर मेथड? व्हाई आंसर इज दैट मींस एक्चुअली इट इज करेक्ट कि अगर n टीम्स हैं एंड देयर इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट, देयर विल बी ऑलवेज n माइनस 1 मैचेस टू डिसाइड अ विनर। टू डिसाइड अ विनर we will have n minus 1 knockout matches. क्यों?
आंसर क्या हुआ 99 आ रहा है क्या हाँ 99 सही है अभी तुम्हें कह रहा हूँ n के लिए आंसर n माइनस वन होगा सर क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक मैच रहेगी हाँ लास्ट में तो एक मैच रहेगा तो सर उससे पहले तो डिवाइडेड बाय टू हो रहा था ना तो लास्ट में सिर्फ एक मैच रहेगी तो इसलिए n माइनस वन ऑड ये क्या बात है ऐसा लॉजिक है क्या कि हर टीम सारे टीम से खेल सकते सिवाय खुद को हाँ तो हर टीम 99 मैच खेल सकती है तुम ये कर रहे हो हाँ भाई सोच पा रहे हो मैं बताऊं What could be a smarter way to calculate the total number of knockout matches? Factorial के terms में Factorial? कुछ भी अब तो उसको differential में कर देना है Factorial कहाँ से आ गया इसमें? फिर हम number of terms in S2 calculate Number of terms? In S2 है? मान लेते हैं इस विनर का नाम है एक्स अब इस विनर से रिमेनिंग 99 टीम्स या 99 प्लेयर्स जो भी हैं उनके मैच करा देता है समझ में आ रही बात मान लो तुम्हें ये बात पता है कि ये बंदा जो है विनर एक्स इज गोइंग टू बी द विनर सपोज तुमने इस एक्स से 99 प्लेयर्स को खिला दिया क्या होगा सारे हारेंगे सारे नॉकआउट हो जाएंगे तो मैक्सिमम कितने मैचेस हो सकते हैं 99 99 से ज्यादा मैचेस नहीं हो सकते ना खत्म हो गई बात बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी वन इवेंचुअल विनर एक ही विनर तो होगा भले तुमने राउंड बाय राउंड में तुम कराते रहे तुम लेवल वन कराया तुमने लेवल टू कराया सेमीफाइनल कराया फाइनल कराया बट अल्टीमेटली तो एक बंदा जीतता है ना तो मैंने एक डिफरेंट तरीके से गेम करा दिया मैंने एक ही बंदे से सारे के सारे प्लेयर्स को खिला दिया और ये वो बंदा है जो स्ट्रांगेस्ट है जो जीतने वाला है इमेजिन करो ऐसा तो होंगे 99 मैचेस स्मार्टर वे टू काउंट एंड क्वाइट लॉजिकल कि ऐसा होगा डेफिनेटली भाई अगर नंबर ऑफ मैचेस कांस्टेंट हैं तो नो मैटर तुमने कौन सा तरीका चूज किया है नंबर ऑफ मैचेस तो उतना ही होनी चाहिए ना भाई तुमने ए को बी से खिलाया ए को सी से खिलाया ये मैटर नहीं करता है अगर नंबर ऑफ मैचेस कांस्टेंट हैं तो ये मैटर नहीं करता कि तुमने ए को बी से खिलाया कि ए को सी से खिलाया राइट तो मैंने क्या किया मैंने एक्स से ए को बी को सी को जितने भी टीम्स है सबको एक्स से खिला दिया सारे हार के बाहर हो गए तो मैचेस कितने होंगे 99 ठीक है तो ये जो ट्रिक अभी तुमने सुनी ये थोड़ा बहुत पीएनसी से इंस्पायर्ड है काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग है ना जो काउंटिंग एडिशन ऐड कर करके वहां तक हम पहुंचते हमने वो काम नहीं किया थोड़ा सा लॉजिकली चले और आंसर तक जल्दी पहुंच गया करेक्ट क्यों भी रजत को समझ में आया हाँ सर हाँ सर रजत तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इस प्लेनेट पे विच नंबर इज ग्रेटर नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन सो हाउ विल यू आंसर दैट सर मतलब हाइपोथेटिकली बोलो या फिर कुछ लॉजिक देना पड़ेगा मुझे तुम्हारा मेथड चाहिए सपोज ऑन अ वेरी बिग प्लेग्राउंड कुछ है जहां पे तुमने दुनिया के सारे मेन और वुमेन को इकट्ठा कर लिया है और तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये है तुम्हें जानना है कि नंबर किसका ज्यादा है मेन और वुमेन तुम्हारा मेथड क्या होगा सर एक हाई पॉइंट से देखूंगा मैं जो देखेगा वो क्लियर कर रहा है उस हिसाब से कुछ ऑब्जर्वेशन अबे तो हाई पॉइंट जो देखेगा
तो क्या मतलब डेंस मतलब अरे मान लो बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है प्लस 1 प्लस 2 वैसे तो रेशियो निकालता है कौन सा रेशियो ये बहुत सही है जेंडर रेशियो सर अरे हां ठीक है जेंडर रेशियो निकालने के तो वो तो फिर सर लेकिन ये एक्चुअल काउंटिंग की जाती है पॉपुलेशन कैसे बताते हैं किसी कंट्री की तो उसमें काउंटिंग होती है आधार कार्ड या डिफरेंस पे डिपेंड करेगा ना वो तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है चलो पूरा प्लेनेट नहीं एक बहुत लार्ज गैदरिंग है जहाँ पे मेन एंड वुमेन है ग्राउंड पे और तुम्हें तुम्हें ये काउंट तुम्हें काउंट नहीं लाना एग्जैक्ट कितने लोग हैं बस तुम्हें ये बताना है कि नंबर ज्यादा किसका है मेन और वुमेन हाउ विल यू डू दैट सर अगर हम पूरा प्लेनेट के लिए तो है सर पूरा प्लेनेट सर बर्थ रेशियो से बर्थ सर इफ वी पेयर लाइक If we pair them and like जो बच गए तो like वो ज़्यादा है। Yes. You play on the music. Ask them for a ball. अपना जो है hold and dance, hold hands and dance और जहाँ तुम्हारे pairs बने one on one, उसके बाद जो fortunate ones और unfortunate ones are left. That will tell you which number is greater. खत्म हो गई बात। सर वही बोला मैंने बिल्कुल सही बोला तुमने सर ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं फिर अरे भाई लेकिन बताना तो चाहिए अब तुम करो तुम हाई पॉइंट पे चढ़ जाओगे कूद जाओगे उससे क्या फायदा है हम ऐसा नहीं बोल सकते सर देखेंगे मतलब कि 50-50 ले और फिर कंसीडर करें कि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है तो फिर मेन ऑटोमेटिकली ज्यादा अरे भाई कहां चल गए सर मतलब भाई क्या बोल रहा है भाई मैथमेटिक्स की बात हो रही है तुम कहां पहुंच रहे हो मैं कह रहा हूँ यार बहुत गैदरिंग है चलो पूरा प्लेनेट नहीं है 10,000 लोग हैं वहाँ पर 20,000 लोग हैं और तुम ये जानना चाहते हो कि वहाँ पे गैदरिंग में नंबर ऑफ मेन ज्यादा हैं या विमेन ज्यादा हैं सो दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मेथड्स कि तुमने क्या किया पेयरिंग कर दिया कपल्स बना दिए और उसके बाद जो लेफ्ट आउट है उसे तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा कि ज्यादा क्या था अब ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ये क्वेश्चन जितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन इजी था बट ऐसा ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना जहां पे कि हम लोग पेयरिंग नहीं कर सकता क्यों नहीं कर पाएंगे रीजन जैसे कि नंबर ऑफ अलाउड नहीं हेलो हां सुन रहा हूं लाइक राइप मैंगोज और जो कि नॉन राइप मैंगोज है वो ऐसे काउंट करेंगे तो हाँ अब वो अलग देखो अलग ट्रिक अलग मेथड्स हो सकते हैं अलग कंडीशंस हो सकती है मान लो ये अलाउड ही नहीं कि तुम पेयरिंग करो तो वहां पे तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा बट इन दिस सिचुएशन जहां पर यू आर फ्री टू डू एनीथिंग द बेस्ट मेथड इज पेयरिंग अब ये जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया ये कोई मैथमेटिकल एग्जाम्पल नहीं था ऐसे क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे जाएंगे बट इन अ वे मैंने तुम्हें एक लेमन टर्म समझाया कि पीएनसी में ही एक सब टॉपिक है इसका नाम है बाइजेक्शन तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एक्चुअली इस चैप्टर नाम कॉम्बिनेटोरिक्स है पीएनसी हमारे 11th 12th की बुक्स में इसका नाम पीएनसी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बट वाइडली इट इज नोन एज कॉम्बिनेटोरिक्स तो कॉम्बिनेटोरिक्स एक ब्रांच है पूरी मैथमेटिक्स की ठीक है और कॉम्बिनेटोरिक्स का यूज कहाँ पर है कॉम्बिनेटोरिक्स का स्पेशल यूज जो है वो प्रोग्रामिंग में है ऑप्टिमाइजेशन में कॉम्बिनेटोरिक्स का यूज है अब क्रिप्टोग्राफी में भी यूज होता है ना क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है यस तो ये जो हम पढ़ने वाले हो ऐसा नहीं कि अब तुम यहाँ इसको पढ़ के क्रिप्टोग्राफी करने लगोगे उसके आगे अब अभी तुम्हें आगे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए बट ये उसका फाउंडेशन होगा जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस चीज को अब जैसे होता है क्लास 5-6 में व्हाइट हैट जूनियर ने जो है वो गूगल में जॉब वो उसको जो है सिंटैक्स बदल गया और उसको जॉब मिल गई पता नहीं कैसे हुआ बट विदाउट नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग का कोई मतलब ही नहीं है मतलब वो तो अब तुम गूगल कर डालो और आज तुम्हें आप एक एंड्रॉयड ऐप और आराम से ऐप्स को आराम से बना सकते हो बैठकर घर पे बैठे बैठे तुम्हें प्रोग्रामिंग आती हो या ना आती हो उस पर नहीं पड़ता बहुत बेसिक हो चुका है तो ये जो मैथमेटिक्स साइड ऑफ प्रोग्रामिंग है ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल दोस्त क्योंकि फर्स्ट मुझे याद है बहुत लोगों ने बोला था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है तो उनके लिए मैथ्स और मैथ्स में भी स्पेशली लॉजिक जानना बहुत जरूरी है तो साउंड होना बहुत जरूरी है तो
मैथ से भागो मत. सर इंटीग्रल पार्ट ही है ना उसका ऑलमोस्ट. हाँ डेफिनेटली. बिना मैथ्स के एल्गोरिथम नहीं होगी. एल्गोरिथम बिना प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? उतना तो बुक में लिखा ही हुआ है कि कहाँ पर लूप होगा और कहाँ पर तुम्हें फॉर मतलब सिंटैक्स क्या है. इट इज जस्ट लैंग्वेज. तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें हिंदी आती है, तुम्हें फारसी आती है, तुम्हें C++ आती है, तुम्हें जावा आती है. बट उसके आगे जो उसमें जो हिडन कंटेंट है वो तुम्हारा लॉजिक है ना यार. एल्गोरिथम तो वो जितना साउंड होगा उतना प्रोग्राम तुम्हारा एफिशिएंट होगा. ठीक है. तो ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसमें स्टार्ट कर रहा हूँ. जैसे मैंने तुम्हें एक बस आइडिया दिया अभी तक कि हम काउंटिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ काउंटिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं क्योंकि हमको थोड़ा बहुत कॉलेज वाला सिलेबस भी कवर करना है. ठीक है. सो व्हाट आर योर वेज ऑफ काउंटिंग. हाउ डू यू काउंट. व्हाट आर योर बेसिक मेथड्स ऑफ काउंटिंग. हाउ डू यू ऐड. कैसे ऐड करते हैं हम लोग. ऐड कर करके भाई सामने कितनी चीजें रखी हैं. 1 + 2 + 5 + 7 ऐड करते हैं राइट. और अगर एडिशन करना बहुत टीडियस हो रहा है, बहुत लेंथी हो रहा है, सो देयर इज अनदर वे टू काउंट व्हिच इज मल्टीप्लिकेशन. ऑब्वियसली अगर लिखा हो मान लो 2 + 2 + 2 + 2 100 टाइम्स तो हम यहां पर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करेंगे राइट. बिकॉज 2 + 2 + 2 100 टाइम्स इज व्हाट. हमको पता है इट इज 2 × 200. तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ काउंटिंग. एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ काउंटिंग. एंड इन दिस चैप्टर स्पेशली योर सिलेबस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन 11th and 12th में तो है भी नहीं कर 11th मान लो. तो जो क्वेश्चन तुम देखोगे ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन आइदर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. ट्रस्ट मी. तुम अगर ये समझ गए कि तुम्हें कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, पीएनसी चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया. कुछ खास नहीं करना. तो एक बार हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल पे चलते हैं और उसके बाद जो बुक की लैंग्वेज है उसको लिखते हैं. ठीक है. जैसे मान लो उत्कर्ष है यहाँ पर. उत्कर्ष आ गया वापस. हाँ सर. अच्छा उत्कर्ष मान लो तुझे झील के सीवुड सेंटर पे जाना है. ठीक है. और तू घर से स्टार्ट करता है तो उत्कर्ष के घर से स्टार्ट हुआ. उत्कर्ष और उत्कर्ष को पहले कहाँ जाना पड़ेगा. खारगर स्टेशन. खारगर स्टेशन गया उत्कर्ष. सर यहाँ पे मेरे घर के पास में वो ये क्या कहते हैं स्टेशन. हाँ. है तो उधर से ट्रेन लेके जा सकता हूँ सीवर्ड्स. दैट्स व्हाट ना. तो वही खारगर स्टेशन बात तू कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा. हाँ घर से खारगर स्टेशन जाने के तरीके कितने उत्कर्ष तुम्हारे पास. सर चल के भी जा सकता हूँ, ऑटो भी ले सकता हूँ, गाड़ी से भी जा सकता हूँ, साइकिल भी ले सकता हूँ. अच्छा साइकिल ले सकते हो. चलो साइकिल ले लो. और क्या से आ सकते हो. मम्मी गाड़ी में छोड़ सकती है. रिक्शा हो सकता है. हाँ कार से जा सकते हो. फिर या फिर मेरा भाई स्कूटी में छोड़ सकता है. अच्छा स्कूटी भी है. चलो ठीक है स्कूटी ले लो. और बस ठीक है कार्गो स्टेशन पहुंच गए. हाँ. कारगर स्टेशन से हम जाते हैं सीवुड स्टेशन. अब मान लो वो वहां से भी तो बस मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ट्रेन्स हैं. कुछ कोई मान लो सीएसटी वाली ट्रेन है, थाने वाली ट्रेन है ना. मान लो यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रेन्स के ऑप्शंस हैं और फिर अब झील तक पहुंचना है हमको. हाँ सर तो बहुत पास है चल के. हाँ यहाँ से भी ऑन फुट जा सकते हैं या फिर यहाँ से हम लोग लिफ्ट ले सकते हैं. किसी के सर पे बैठ के जा सकते हैं या फिर यहाँ से बस ले सकते हैं मान लो. और मान लो एक जो है एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑप्शन उत्कर्ष के पास है. उत्कर्ष कैन अफोर्ड टू हैव अ चॉपर एंड लैंड डायरेक्टली टू झील है ना. ऐसा हो सकता है मान लो. इफ यू कैन अफोर्ड तो सब कुछ पॉसिबल है उसमें. क्या है ठीक है. तो अब पलक बताएगी. पलक इन हाउ मेनी वेज उत्कर्ष कैन रीच झील सीवर्ड्स फ्रॉम हिज होम इन खार. इन हाउ मेनी वेज. ओके लाइक हाउ मेनी वेज.
तो लाइक ओके टोटल सब मिला के ना यस सब मिला के ओके आराम से सर ये काउंट करो बताओ ओके सर बीच के जो वो जो तीन ट्रेन है वो तो सर एक में ही हो जाएगा ना क्योंकि सब तो एक ही रूट पे नहीं भाई तीनों ट्रेनें तो बस ऑप्शंस हैं तुम थाने की ट्रेन पकड़ रहे हो सीएसटी की पकड़ रहे हो अंधेरी की पकड़ रहे हो तीन तो सर फर्क क्या पड़ेगा सर सब तो सीउड होके जाएंगे तो एक ही में आ जाना चाहिए ना अरे तो ऐसा तो तुम पैदल जाओ साइकिल से जाओ 46 है क्या 46 ओके कैसे है राधिका एक्सप्लेन सर सपोज वो स्कूटी से जा रहा है तो वो ट्रेन वन ट्रेन टू ट्रेन थ्री थ्री ऑप्शंस है एंड देन इसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि वो ऑन फुट जा रहा है तो ऑन फुट जाने के लिए उसके पास थ्री ऑप्शंस है तो वैसे वो ऑन फुट लिफ्ट और बस वो तीन ऑप्शंस है और T1 T2 T3 थ्री ऑप्शंस है तो 3 × 3 = 9 और यहाँ पे उसके पास ऑप्शंस है कि वो स्कूटी से जाए साइकिल से जाए फुट से जाए रिक्शा और कार सो दैट इज 5 ऑप्शन है Are you trying to say we are going to multiply all these possibilities, all these options? Are you multiplying? Yes. Okay. And then one exclusive option of chopper. Are you adding it? Yes. Okay. Zoyeb, do you agree? Awesome. Answer 46 here. Awesome. अच्छा. Vivan. Vivan कुछ add करेगा इसमें? सर हम लोग वन को ऐड क्यों कर रहे हैं ज़ोएब वन को ऐड क्यों कर रहे हैं चॉपर क्योंकि चॉपर एक ऐसा चीज है जो किसी और से रिलेटेड नहीं है ना वो डायरेक्ट उत्कर्ष को घर से जेल लेके जा रहा है बाकी सबके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है कि हम यहां पर एक क्लियर मतलब एक क्लियर लैंग्वेज आना चाहते हैं कि हम मतलब क्या है जो हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए और क्या है जो मैं एनकरेज कर रहा है ऐड करने के लिए व्हाई आर वी एडिंग टू नो वी नीड टू ऐड और मल्टीप्लाई सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें बेसिकली स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितने ऑप्शंस हैं अगर ऑप्शंस लिंक्ड है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे अगर ऑप्शन सेपरेट है तो ऐड करेंगे ऑप्शंस लिंक्ड है मतलब सर मतलब अगर उत्कर्ष को अपने घर से सर मतलब अगर हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उससे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वो एकदम सेपरेट है तो हम ऐड कर देंगे देखो मैं अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ समझने की कोशिश करो यहाँ पर जिन ऑप्शंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है मल्टीप्लिकेशन हम क्यों कर रहे हैं बिकॉज फॉर एवरी वन आउट ऑफ दीज फाइव ऑप्शंस ये नॉइस कहाँ से आ रही है भाई प्राप्ति प्राप्ति बेटा आप म्यूट करो हाँ For every option you have, scooty, cycle, on foot, rickshaw, car, whatever, you choose any one option. You always have three options here. You always have three options here. For example, agar finger counting ki jaye, scooty, train one, scooty, train two, scooty, train three, you have three options. Suppose you pick scooty, then train one, then again you have three options, on foot, lift or bus. So actually ये addition ही है जिसको हम multiplication की form में express करना चाहते हैं actually ये addition ही तो है for example one path या one way is choosing scooty train one on foot this is one path there is one way another way could be scooty train one and lift scooty train one and bus so these are three ways अगर तुम add करो one plus one plus one but I'm not adding I'm multiplying. How? I choose scooty one way. I choose train one one way. And here I have three options. So one into three, three ways. Similarly, agar hum sare ke sare options yahan pick kar le, we have five options. Yahan pe sare train ke options pick kar le, three options. Yahan pe sare options pick kar le, three options. To hum in tino ko multiply karenge, obviously. Because for every one option here, We have all three options available. We have all three options available. So we will keep on multiplying. और layman terms में बताऊँ तो सबसे अच्छा है सोचना ये जब तक तुम्हारा task incomplete है. What was the task? Our task was to reach here.
जेड झील पे पहुंचना था हमको। जब तुम घर से खारगर पहुंचते हो स्टेशन, तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। जब तुम खारगर से सीवुड स्टेशन पहुंचते हो, तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। अब तुम सीवुड स्टेशन से अब तुम झील पहुंच गए, अब तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो इन लेमन टर्म्स, जब तक तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, यू विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, द नंबर ऑफ वेज विल बी मल्टीप्लाइड टिल द टाइम टास्क इज नॉट फिनिश्ड। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर तुम देखो ये वाला ऑप्शन जहां पर तुमने चॉपर चूज कर लिया, दिस इज एन एक्सक्लूसिव वे, राइट? एक्सक्लूसिव इन सेंस कि यहां पर वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रेन्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द मीन्स टू कम टू कम्यूट फ्रॉम होम टू खारगर स्टेशन, फ्रॉम सीवुड स्टेशन टू झील, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। वी चूज चॉपर और हम डायरेक्टली घर से झील पहुंच जाते हैं। तो ये कंप्लीटली एक डिफरेंट तरीका था जो हमने चूज किया, इसलिए इसको यहां पर ऐड करना होगा। तो ये है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस, ठीक है? इतने में अगर मैं बताऊं समझ में आने वाली बात क्या है, वो यही है कि जब तक तुम्हारा टास्क फिनिश नहीं हुआ, यू शुड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, और जब टास्क फिनिश हो जाए तो तुम ऐड करो, राइट? तुमने क्या किया, देखो 5 × 3 × 3 + 1 and 46 is correct. ये बिल्कुल सही आंसर। अब मैं कितना भी इसको लेमन टर्म्स में बताऊं, मैं एक्सप्लेन कर लूं, लेकिन फिर वही बात है कि क्वेश्चंस अगर ट्रिकी बने, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी हुई, तो हो सकता है ये इतना इजी ना रह जाए कि तुमने सिंपली ऐड और मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाए, क्योंकि कुछ कंडीशंस, एक्स्ट्रा कंडीशंस इम्पोज की जा सकती है ना। बट अगर बेसिक्स पे जाए तो बेसिक यही है, कब मल्टीप्लाई करना है, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द मेथड्स, मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, जो दूसरा तरीका होगा, एक्सक्लूसिव तरीका होगा, उस तरीके को वहां पे ऐड करो। एक तरीके से दो केसेस हैं। पहला केस वेयर वी आर चूजिंग ट्रेन्स, बसेस, लिफ्ट्स और व्हाटएवर, एंड सेकंड मेथड केस टू वेयर वी आर चूजिंग अ चॉपर। दोनों एक्सक्लूसिव। व्हेन वी आर चूजिंग अ चॉपर, we are not choosing this method, train on foot kuch choose nahi kar rahe. When we are choosing trains buses option, we are not choosing chopper. These two are exclusive, theek hai? To ab main aata hu us language pe, the very first page of your NCERT book, state board book, usme kya likha hua hai, ab us pe aate hain, theek hai? To pehle page tum dekhoge is chapter mein, yahan par hai principle of counting. Principle of counting. और जैसा मैंने कहा कि principle of counting, there are two ways of counting. इसलिए जो पहला जो principle है, it is addition principle. The principle of addition. चलो इसे लो. Okay. और अब मैं तुम्हें पहले लिखवा देता हूं कि बुक में क्या लिखा हुआ है. And then I'll try to explain. Actually, मैं तुम्हें पहले explain कर चुका हूँ. इस example के through मैं तुम्हें explain कर चुका हूँ. अब हम लोग देखते हैं book में क्या लिखा हुआ है और उस language को समझने की कोशिश करते हैं. All right. So let A and B be two tasks. जो bracket में लिख रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना. Mutually exclusive. What is the meaning of this word? Mutually exclusive. Iska matlab kya hua? Abhi main explain karta hu. Abhi main ek loop jao. Let A and B be two. Aapas mein unique pair honi chahiye. Ha, ek minute. Matlab aisa bol sakte ki A aur B ke beech mein koi nata nahi hai. हाँ, बिल्कुल कोई नाता रिश्ता इनके बीच में नहीं है. बिल्कुल सही बोल, तुम दोनों लोग सही बोल रहे हो, मैं भी आता हूँ उस पर. लेट ए एंड बी बी टू टास्क म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच कैन बी परफॉर्म्ड. आई थिंक ये तुम्हारा जो कॉलेज लेक्चर हुआ होगा उसमें लिखवाया गया होगा. ये कॉलेज लेक्चर में हो चुका है ना ये टॉपिक इन एम एंड एन ways respectively. ऐसे दो टास्क हैं
A and B, which can be performed in M and N ways respectively. कोई भी टास्क हो सकता है, कहीं जाने का टास्क हो सकता है, किसी काम को करने का टास्क हो सकता है. तो इन टास्क को परफॉर्म करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं, M वेज में A और N वेज में B को किया सकता है. देन नंबर ऑफ वेज इन विच टास्क A और B, और मैंने एंड ही लिखा है, और B कैन बी परफॉर्म्ड विल बी M प्लस N. अब ये जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको समराइज करो मैथमेटिक्स लॉजिक में, मतलब क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इस बात? ये वही है जो हमने ऊपर किया ना? यस, ये वही है जो हमने ऊपर किया. इस पूरी लैंग्वेज में जहां पर जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले तुम इस पे आओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये वो वर्ड है जो तुम्हें पीएनसी मिलेगा, और पीएनसी के बाद तुम्हें डायरेक्टली 12th में, अब तुम पढ़ोगे 12th में हम लोग जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में तुम्हारे पास वापस ये वर्ड आएगा एक्सक्लूसिव. What is the mathematical meaning of the word exclusive? Tell me. Or in set theory language, set theory में तुमने word पढ़ा होगा exclusive. क्या मतलब होता है exclusive का? Probability tens में थी. हाँ, करे. When you? Maybe where you can't make cases. Like there's only one way to do that task. Sir, मान लीजिए. One way to do a task is. तो मान लीजिए एक सेट है हमारे पास p p dash और p म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना. ये बिल्कुल क्या हो गया? अगर हमारे पास एक सेट है p, तो p dash और p दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए ना. तो सही बात है, तो मीनिंग क्या हुई एक्सक्लूसिव होने की, तो बताओ. सर वो इंडिपेंडेंट ऑफ केस होगा, मतलब वो अपने आप में अलग ही केस. इंडिपेंडेंट वर्ड यूज मत करना, इंडिपेंडेंट कुछ अलग चीज होती है. सर ए और बी बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं होंगे. मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, बट तुम एक्सप्रेस, तुम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके बताओ ना मुझे इसका क्या मतलब हुआ. सर सर ए यूनियन इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस नहीं हो सकते. सर ए यूनियन बी फाई हो जाएगा. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन. यस यस, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट यू टू टेल मी. ए इंटरसेक्शन बी इज फाई. There is no intersection. अगर तुम set, ये समझने में easy है ना, अगर तुम इस तरीके से A और B को show करो set theory में, तो ये दोनों sets, set theory के language में इसको disjoint बोलते हैं. There is disjoint. Intersection is not possible. That means if I ask you in this case, if A and B are disjoint, they're exclusive, what is the number of elements in A union B? N A plus N B. It is simply, yes, number of elements in A plus number of elements in B, which is nothing but addition principle. देखो, हमने simply add कर दिया. Otherwise, जो in general है, which is always correct, उसमें क्या होता है याद है? उसमें ये चीज subtract करनी पड़ती थी. लेकिन यहाँ पे हमको ये subtract नहीं करना पड़ रहा. Reason? They are disjoint. They are exclusive. So exclusive word की मीनिंग ये है कि अगर एक इवेंट या एक टास्क हो रहा है तो दूसरा टास्क साइमल्टेनियसली नहीं किया जा सकता. अगर दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं किया सकता. प्रोबेबिलिटी में देयर आर इन्फिनिट एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, तुमने एक कॉइन को टॉस किया, हेड आना और टेल आना, दीज टू आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स. हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, टेल आ रहा है तो हेड नहीं आएगा. तुम एग्जाम दे रहे हो, पास होना फेल होना एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. पास हो रहे हो तो फेल नहीं हो रहे हो, फेल हो रहे हो तो पास नहीं हो रहे हो, दोनों कैसे हो सकता है? तो ये इस टाइप के इवेंट्स को एक्सक्लूसिव बोलते हैं. और जब दो इवेंट्स एक्सक्लूसिव होते हैं, जब दो टास्क एक्सक्लूसिव होते हैं, तो किसी एक को करने का जो नंबर ऑफ वेज होंगे, चाहे तुम टास्क ए करो या टास्क बी करो, यू कैन सिंपली फाइंड द नंबर ऑफ वेज बाई एडिंग द नंबर ऑफ वेज सेपरेटली. जो दोनों के टास्क करने के तरीके उनको ऐड कर दो, क्योंकि इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता तो कुछ सबट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं. अब अगर तुम ऊपर वाले एग्जांपल पे आओ तो बहुत
क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्या है. कौन से दो तरीके एक्सक्लूसिव? चॉपर को चूज करना, चॉपर के थ्रू ट्रेवल करना यहाँ पर यू टू जेड, और बाकी जो मीन्स है कम्यूट करने के उनको चूज करना आर टू एक्सक्लूसिव वेज. तभी हमने देखो यहां पर 5 × 3 × 3 केस वन में वन को ऐड किया है. बिकॉज इफ यू आर चूजिंग चॉपर देन यू आर नॉट, यू कैन नॉट चूज ट्रेन, यू कैन नॉट चूज बस, यू कैन नॉट चूज रिक. तुम इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हो. दीज टू आर एक्सक्लूसिव वेज, एक्सक्लूसिव टास्क, है ना. तो ये है तुम्हारा एडिशन प्रिंसिपल. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा एडिशन प्रिंसिपल का मतलब. आया क्या समझ में? सर आप एक्सक्लूसिव बोल रहे हो तो वैसे अ कार एंड अ रिक कैन आल्सो बी मेड एक्सक्लूसिव ना? नो, कार एंड, अच्छा कार एंड रिक हियर. अब मान लीजिए कि यू आर यूजिंग अ रिक. यू आर राइट. Out of these, that's why I'm saying now we have five options. Why I am saying I have five options? Because I am adding them. 1 + 1 + 1 + 1 + 1. That's why I'm saying I have five options. That's why I have five exclusive options. You are correct. Agar question ye hota ki from Utkarsh home to Khargar station, how many ways are possible? Answer is five. And how do you get your answer? By adding all the options. And why are you adding all the options? Because all options are exclusive. If you are choosing scooty, you are not choosing rick. If you are choosing rick, you are not choosing car. Sare exclusive hai. Bilkul sahi baat hai. Bilkul sahi bol rahe ho. So, but completely exclusive to 5 kaise honge? 4 honge na sir? Kyun matlab? Samjha nahi. Matlab ek to chopper hoga aur fir ab maan lijiye chopper. फाइव ऑप्शंस जो जिनकी बात हो रही है वो फ्रॉम होम टू खारगर स्टेशन है. दे आर नॉट टिल द डेस्टिनेशन. जेड तक की बात ही नहीं हो रही ना. चॉपर तो जेड तक जा रहा है ना हमारा. ओके, चॉपर का तो ऑप्शन. सर अगर आप उसके घर से सीधा जीम तक देखोगे तो फिर वैसे 4 एक्सक्लूसिव होंगे ना सर. 4 एक्सक्लूसिव सर? डोंट, समझ नहीं. 4 एक्सक्लूसिव मतलब? 2 एक्सक्लूसिव मतलब मैं, मतलब व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज कि T1 T2 T3 ये तीन डिफरेंट ट्रेन्स हैं एंड देन 5 ऑप्शंस में से हम कोई तीन, मतलब आप मान लीजिए कि साइकिल से T1 से ऑन फुट, देन ऑन फुट से T2 से लिफ्ट, देन रिक से T3 से बस. अंडरस्टूड. बट इफ यू आर चूजिंग लेट्स से साइकिल देन T1, सो यू आर चूजिंग दीस टू ऑप्शंस साइमल्टेनियसली. Simultaneously मतलब ये नहीं है कि at the same time you are on a cycle as well as in a train. Simultaneously मतलब ये नहीं है. But to complete your task, you have selected cycle and then train and then lift maybe or bus maybe. तो ये सारे options तुम एक साथ choose कर रही हो. They are not exclusive. तुम ये सारे choices एक साथ off कर रहे हो और उसके बाद पहुंचे. Correct? So they are not exclusive. But once you have reached your destination. In between तुम्हें chopper use करने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ी. You cannot choose a chopper. And when you are choosing a chopper, you cannot choose any one of these options. तुम इनमें से कोई भी choose नहीं कर सकते. That's why these two are exclusive. So we have two exclusive ways. दो ही exclusive तरीके हैं. अब principle of counting में addition principle के बाद, I think अब काफी हो गया discussion. तो समझ में आ गया होगा. कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी. दूसरा है multiplication principle. Principle of multiplication. मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. अगेन द सेम, यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट लेट ए एंड बी बी टू टास्क एंड इस बार इनको हम बोल रहे हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. लेट ए एंड बी बी टू टास्क म्यूचुअली इंडिपेंडेंट विच कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी परफॉर्म्ड इन एम एंड एन वेज रेस्पेक्टिवली.
देन नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ ए एंड बी, नोटिस करना एंड को और यहां पे इंडिपेंडेंट को, ए एंड बी कैन बी परफॉर्म्ड विल बी एम इंटू एन. ठीक है भाई, तो यहां पर डिफरेंट हुई दो चीजें, एक तो ये तुमने अगर ध्यान दिया हो या नोटिस किया हो, यहाँ पे और था और यहाँ पे मैंने एंड वर्ड यूज किया है. और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिव यूज किया था, एक्सक्लूसिव पर हमने काफी डिस्कशन भी किया, यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिव नहीं, यहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, अगेन मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुई इसकी, दो टास्क जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है. अब ये इंडिपेंडेंट वर्ड की मीनिंग क्या हुई भाई, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्लूसिव, कोई बता सकता है, कोई बताना चाहेगा? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने में फर्क क्या हो सकता है? बिकॉज फॉर फ्यू ऑफ यू आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल विल थिंक दे आर सेम वर्ड्स, एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो सेम ही चीजें होगी. बट ऐसा है नहीं. वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, कोई बताएगा? ओके, इंडिपेंडेंट एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, एग्जांपल तो बताओ सर. आप ऊपर जो आपने एग्जांपल दिखाया था ये बताओ सर, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट जो है ना, वो जो हमारे पांच ऑप्शंस है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, वो पांचों ऑप्शंस एक दूसरे से, मतलब हम लोग का जो पूरा एक हमने ऑप्शन लिया, एक्सक्लूसिव हमने दो माने एंड इंडिपेंडेंट हम हर एक चीज को मान सकते हैं. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम बोल के बताओ ना कौन सा ऑप्शन इंडिपेंडेंट है, बताओ. मतलब स्कूटी लेना, साइकिल लेना, ऑन फुट होना, रिक्शा लेना या फिर कार लेना, ये इंडिपेंडेंट है? एक मिनट सर, मैं कंफ्यूज हो गया सर. खारगर से सीवुड जाने के वेज और उत्कर्ष के होम से खारगर जाने के वेज, वो इंडिपेंडेंट है. यस यस, बिल्कुल सही बोल रहा है. यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है ये जो फाइव ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, ये फाइव ऑप्शंस फ्रॉम होम टू खारगर स्टेशन एंड फ्रॉम खारगर स्टेशन टू सीवुड स्टेशन एंड फ्रॉम सीवुड स्टेशन टू झील सीवुड्स. तो ये जो 5, 3 और 3 तुम्हें नंबर ऑफ वेज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट टास्क? टू टास्क आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ इफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर बाय एनी मीन्स. मतलब यहां पर तुमने स्कूटी चूज कर ली, साइकिल चूज कर ली, तुम पैदल चले गए, रिक्शा चूज कर लिया, कार चूज कर लिया, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग योर चॉइस ऑफ दीज थ्री ट्रेन्स. ऐसा नहीं कि तुम स्कूटी से आए तो तुम ट्रेन वन से ही जाओगे, ट्रेन टू तुम्हें पसंद नहीं है, या तुम पैदल चल के आए तो ट्रेन टू वाले ने तुम मना कर दिया, नहीं भाई तुम पैदल चल के आए हो, यू डू नॉट डिजर्व टू सिट इन ट्रेन टू, ऐसा कुछ नहीं है. नो मैटर which option you choose out of these five options, it is not impacting your choice of these three trains. So, similarly, yes, sir, but addition में भी अगर हमने एक task like कोई एक way से किया और दूसरा different way से किया, लेकिन that also won't affect, but we are still adding over there. Didn't get you. It is not affecting your task is already finished. तो अफेक्ट करने की बात ही नहीं है ना. When you are choosing case one, suppose you choose a cycle, then train one, then you went on foot and you reach to Zeal Sivuts. खत्म हो गई बात. Task is finished. Task is already performed. तो अब impact affect करने की बात ही नहीं आती ना.
That's why these are exclusive. Task finished. You never choose an option of chopper. तुमने वो option choose ही नहीं किया. That's why they are exclusive. But here, without choosing any one of these three trains, train one, train two, train three, तुमने अगर choose नहीं की इनमें से एक भी, तुम्हारा task finish हो ही नहीं पाएगा. So these are intermediate options, intermediate steps, जिनको बिना choose किए हुए तुम अपना task finish नहीं कर सकते. समझ रहे बात को? तो यहां पर अगर मैं इनको डिवाइड करूं, लेट्स से दिस इज मतलब घर से खारगर स्टेशन पहुंचना, दिस इज टास्क ए. खारगर स्टेशन से सीवुड स्टेशन पहुंचना, दिस इज टास्क बी. सीवुड स्टेशन से जील पहुंचना, दिस इज टास्क सी. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट आवर टास्क टू रीच जील सीवुड फ्रॉम होम, वी हैव टू फिनिश ऑल थ्री टास्क. तुम्हें टास्क ए करना पड़ेगा, देन तुम्हें टास्क बी भी करना पड़ेगा, और देन तुम्हें टास्क सी भी करना पड़ेगा. एंड ऑल थ्री टास्क्स आर इंडिपेंडेंट. नाउ लिसन टू मी केयरफुली, बिकॉज दिस वर्ड इंडिपेंडेंट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड वेरी क्रिटिकल. अगर तुमने ये डिसाइड नहीं किया, तुम ये समझ नहीं पाए कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो तुम ये समझ नहीं पाओगे कि मल्टीप्लाई करना सही है या नहीं. मल्टीप्लाई करना कब सही होगा? When choices of one task do not affect the choices of other task. So here, these five options of task A, yani ghar se khargar pahunchne ke jo five options hain, they are nowhere impacting your choices of picking a train. Train one, train two, train three. Tum koi bhi train pick kar sakte ho. Picking a train, train one, train two, train three mein se koi bhi ek train pick करने के बाद, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग योर चॉइस ऑफ टास्क सी. तुम ऑन फुट जा सकते हो अभी भी, तुम लिफ्ट लेके जा सकते हो, तुम बस लेके जा सकते हो. डजंट मैटर विच ट्रेन यू पिक, दीज थ्री ऑप्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल. तो दिस इज इंडिपेंडेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक किया तो दूसरा कर ही सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये तो वैसे भी एक साथ करने ही, एक करना है साथ में दूसरा करना है साथ में तीसरा करना है. बट मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब हमको ये चीज क्लियरली दिख रही हो कि एक टास्क को परफॉर्म करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं, वो दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के जो वेज हैं, उसको इंपैक्ट नहीं करते हैं. दे आर नो कंडीशंस इन्वॉल्व्ड. आई विल टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, डोंट वरी, टू एक्सप्लेन दीज टू वर्ड्स. एक्सक्लूसिव बहुत क्लियर होता है, इंडिपेंडेंट को समझाने के लिए आई हैव टू टेक मोर एग्जाम्पल. जैसे ही ये कंडीशन लग गई, अब ये इंडिपेंड नहीं रह गया. और अगर ये इंडिपेंडेंट आ सकता है कि मतलब उसको एक डेफिनेट टाइम पे पहुंचना है, तो उसको वही नहीं, मतलब अब ये तुम बहुत ही कंडीशन तो उलझा हुआ सा है स्टेटमेंट. मतलब क्लियर लैंग्वेज बोलो कि मैंने कंडीशन लगा दी कि तुम अगर ट्रेन टू पिक करते हो, नाउ यू कैन नॉट टेक अ लिफ्ट. अगर तुम ट्रेन थ्री पिक करते हो, यू कैन नॉट चूज बस. खत्म होगी बात, अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गया. अब तुम्हें अलग अलग केस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. चलो अगर तुम्हें जानना ही है इतना, उसी एग्जाम्पल में जानना है, तो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का बनाता हूं. इफ T2 इज पिक्ड, वन कांट चूज बस और लिफ्ट. अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है कि तुम्हें घर से जील तक पहुंचना है, बट इस बार तुम्हारे पास एक कंडीशन लगा दी गई है. कंडीशन ये है कि अगर तुमने ट्रेन टू को पिक किया, नाउ यू कैन नॉट चूज बस और लिफ्ट. ये तुम दो ऑप्शन पिक नहीं कर सकते, लिफ्ट एंड बस, ये हम नहीं कर सकते. हाउ विल यू सॉल्व? केसेस स्टडी से ऑप्शन से चला जाएगा, 44 रहेगा. आओ देखते हैं. तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो फाइव ऑप्शन हैं सारे के सारे पिक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है. फाइव. अब मैं
दूसरे जब पार्ट में आऊंगा ट्रेन वन ट्रेन टू ट्रेन थ्री सर अब आप बस दो को पिक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ कंडीशन किस पे लगी हुई है? कंडीशन ट्रेन टू पे लगी हुई है। ट्रेन टू कंडीशन ट्रेन टू पे है, ट्रेन वन और ट्रेन थ्री पे तो नहीं है ना। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आई हैव टू ऑप्शंस। दो ऑप्शंस कौन से हैं? ट्रेन वन या फिर ट्रेन थ्री पे। अभी मैंने ट्रेन टू का नाम ही लिया, अभी मैं ट्रेन वन या ट्रेन थ्री बात कर रहा हूँ। इफ आई एम पिकिंग ट्रेन वन और ट्रेन थ्री तो कोई कंडीशन तो नहीं है ना, देन दीज टू टास्क आर इंडिपेंडेंट। इफ आई एम पिकिंग ट्रेन वन आई हैव ऑल थ्री ऑप्शंस अवेलेबल, इफ आई एम पिकिंग ट्रेन थ्री आई हैव ऑल थ्री ऑप्शंस अवेलेबल, सो इन दिस केस I will multiply by 3. ठीक, करेक्ट है ये? But what if I pick train 2? अब मैंने train 2 pick कर ली। Train 2 को pick करने के बाद, train 2 को pick करने के बाद क्या होगा? तो ये अब जो तीसरा, I cannot choose lift. सर एक ही option. Yes. एक ही ऑप्शन बचता है और वो है गोइंग ऑन फुट। ना ही हम बस ले सकते हैं और ना ही हम लिफ्ट ले सकते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई बाय वन। और एक हमारा एक्सक्लूसिव है तो है चॉपर वाला। तो व्हाट इज योर आंसर? क्या हो गया? 30 + 5 + 1 आंसर इज 36। सर अगर यहाँ पे एंड रहता तो बस एंड लिफ्ट? बेटा बस एंड लिफ्ट तो हो ही नहीं सकता ना। दीज टू आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। वंस यू हैव रीच्ड टू सीवुड स्टेशन फ्रॉम हियर यू विल आइदर चूज ऑन फुट और यू विल चूज लिफ्ट और यू विल चूज बस। कैन यू चूज बस एंड लिफ्ट टुगेदर? यू अब सरकारी बस में लिफ्ट तो लेंगे? हां नहीं कर सकते। हां सर समझ गए ना। हां तो यहाँ पर कंडीशन लगने की वजह से क्या हुआ, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चेंज कर दिया। मैंने इस तरीके को चेंज कैसे किया? मैंने दो सेपरेट केसेस बना दिए। केस वन जो हमारा था उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एंड इफ यू सी क्लोजली यू विल फाइंड नाउ दीज टू आर एक्सक्लूसिव। हाउ दीज टू आर एक्सक्लूसिव? हियर ये जो दो मेथड्स हैं ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई एम चूजिंग ट्रेन वन और ट्रेन थ्री। और यहाँ पे जो मैंने वन लिया हुआ है यहां पर हम बोल रहे हैं कि आई एम पिकिंग ट्रेन टू। तो ट्रेन वन या ट्रेन थ्री लेना और ट्रेन टू लेना ये दोनों एक्सक्लूसिव। आई कैन नॉट पिक देम साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दीस टू आर एक्सक्लूसिव। तो हमने इसको दो पार्ट्स ब्रेक किया और आंसर आ गया। अब तुम लोग 44 बोल रहे थे ना पहले, 44 फाइव ने मल्टीप्लाई किया था सर, समझा? अच्छा फाइव मल्टीप्लाई नहीं किया। हां सर मतलब ट्रेन टू तक पहुंचने के भी तो पांच रास्ते ना, उसको मल्टीप्लाई सर बस ऐसे ही माइनस कर दिया था। तो यस यस यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी तुमने जो क्वेश्चन किया वो तुम्हारे एनसीईआरटी या अपना स्टेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। मतलब तुम्हारी बुक में जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1-2 होगी उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में। तो बेसिकली तुमने देखा क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चॉइसिस थी, हमने उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कुछ चॉइसिस थी, उनको मल्टीप्लाई किया और सारे जो आंसर सारे उनको ऐड किया। इट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। We just have to think कब मल्टीप्लाई करना है कब ऐड करना है, और ये जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे हमको ये चीज आती जाएगी। तो अभी मैं रिलेवेंट क्वेश्चन, हाँ तो अभी मैं उस टाइप के एग्जाम्पल्स पे आता हूँ जो तुम्हारे बुक्स में दिए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। इसको नोट कर लो, ये दोनों चीजें नोट कर लो, एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। और जो मैंने नहीं लिखवा रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई लेमन टर्म में बताया, वो चीज हमेशा ध्यान रखना। एक बहुत मोटी सी बात ये है कि जब तक काम फिनिश नहीं होता है तब तक मल्टीप्लाई कर लो। और जैसे ही ये टास्क तुम्हारा जो अल्टीमेट टास्क है वो क्या है, यू से जेड तक पहुंचना। तो जैसे ही वो टास्क फिनिश हो गया उसके बाद तुम जो भी ऑप्शन चूज करोगे वो एक्सक्लूसिव। चॉपर चूज करना एक्सक्लूसिव, कोई और ऑप्शन आता तो वो एक्सक्लूसिव है ना। तो ये एक्सक्लूसिव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आते हैं। कुछ एग्जांपल्स अभी तुरंत करते हैं। चलिए इसे नोट कर लो। टेंशन प्रिंसिपल भी दिखा दिया ना? नहीं समझा मैं, जो क्या बोल रहा हूँ?
एडिशन प्रिंसिपल भी दिखा दीजिए नोट करना। अच्छा एडिशन प्रिंसिपल ओके ये लो। ये वर्ड तुमने डिसजॉइंट पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी में? डिसजॉइंट हां सर पढ़ा हुआ है ना। हो गया सर नीचे वाला अब ये जो मैं लिखा है ना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल लिख लो बहुत ही डेकोरेट करके बढ़िया से लिख लो लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हुआ उसका तुमने रट भी लिया तो भी समझा नहीं फायदा क्या हुआ और ये पता कैसे चलेगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ऑब्वियसली जो आगे आने वाले क्वेश्चन है एप्लीकेशन है वहां पर तुम अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई कर पाए That simply means if you know when to multiply, when to add, काम खत्म हो गया है। Least bothered कि तुम्हें ये language पता है कि नहीं पता है। तुम्हें अगर ये पता है कि multiply कब करना है, add कब करना है, I'm okay with that। इतना ही करना है बस। और बस जहाँ बीच में कुछ बहुत अच्छी tricks या अच्छे questions आते हैं, वो ढंग से note करना जरूरी है उसका solution। तो maths के notes तो ऐसे ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया। अब मैं आता हूं सीधे क्वेश्चंस पे। वो क्वेश्चंस जो सिंपली ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से सॉल्व हो जाएंगे ध्यान से देखते जाओ ठीक है। पहला क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें बहुत इजीली हर जगह। जैसे मान लो सपोज वी हैव दीज डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है और क्वेश्चन तुमसे पूछा गया हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन डिजिट्स। पहला पार्ट है इसका Repetition is allowed. और second part obviously होगा repetition is not allowed. Repetition is allowed मतलब तुम two को दो बार तीन बार जितनी बार choose करना चाहो choose कर सकते हो। तुम zero जितनी बार लिखना चाहो लिख सकते हो। Five power four थोड़ा सोचते हैं बेटा। तुम बहुत close हो but थोड़ा सोचो। नहीं सर थोड़ा उसमें सब्ट्रैक्ट भी होगा क्योंकि जीरो से चालू नहीं कर सकते ना। और देखते हैं उसने क्या किया। तो हालांकि ये कोई मेथड बोल हाँ करेक्ट करेक्ट इट्स कॉल्ड ब्लॉक मेथड। वैसे जबरदस्ती इसका नाम रखने का मतलब है नहीं। मैंने ये चार ब्लॉक्स क्यों बनाए हैं Because I have to form a four-digit number. तो मुझे एक चार-digit number बनाना है तो मैंने यहाँ पे चार block बना दिए ठीक। Now every block represents the position of a particular digit. For example, जो rightmost है ये ones place को show करना है फिर obviously tens place को show करेगा फिर यहाँ पे hundredth place को फिर यहाँ पे thousandth place को है ना। four-digit का number है मेरा। Every digit is going to be unique. And repetition is allowed. तो repeat भी हो सकती है। क्या हमें पता है कि कितने options हैं हमारे पास for every block, for every position? For example, अगर तुमसे पूछो कि ones place पर हमारे पास कितने options हैं? Ones place पर हम कौन-कौन सी digits रख सकते हैं? तो तुम्हारा answer होगा we have five options. नहीं चार क्यों? पांच क्यों एक कौन सा कम कर दिया सर सबसे पहले वाले में बोल रहा था। अच्छा नहीं मैं वंस प्लेस की बात कर रहा हूँ। वंस पे तो पांच है ना फिर टेंथ पे पांच है हंड्रेड्स पे पांच है व्हाट अबाउट थाउजेंड प्लेस पांच चार
चार होंगे ना यार, क्योंकि अगर तुमने जीरो से स्टार्ट कर दिया तो नंबर फोर डिजिट का बनेगा, थ्री डिजिट हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, टू हो जाएगा, जो भी है वो हो जाएगा। तो 4555 ये तो choices है। It is similar to this five options, two options, जो number of ways थे, कुछ ऐसा ही तो है। Question ये है कि इसको add करना चाहिए इन choices को या multiply? इन choices को multiply करना चाहिए। Why should we multiply? तो मैंने फिर जो तुम्हें trick बताई है, जो layman term बताया था, explain किया, समझो। तुमने अगर केवल यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे डिजिट फिल कर दी, क्या तुम्हारा टास्क खत्म हो गया? या तुमने कोई दो डिजिट्स भर दी, क्या तुम्हारा टास्क फिनिश हो गया? या तुमने कोई तीन डिजिट्स रख दी, क्या तुम्हारा टास्क फिनिश हो गया? नहीं, तुम्हारा टास्क फिनिश कब होता है? जब तुम चारों डिजिट्स रखते हो, तो यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई। जब तक हमारा टास्क फिनिश नहीं हो रहा है, यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। एंड व्हाई यू शुड मल्टीप्लाई, why you should multiply, because all choices are independent. No matter what digit you choose at ones place, tens place pe tum koi bhi 5 digit rakh sakte ho, hundreds place pe tum koi bhi 5 digits rakh sakte ho. All choices are independent, koi condition nahi generate ho rahi, right? To hum in sab ko multiply karenge and we will get our answer. Our answer is correct. Kya answer aaya? 4 into 5 cube, which is क्या होता है 4 × 5 क्यों? 500। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है? इतने नंबर्स बन सकते हैं, बताओ। समझ में आया? बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में रिपीट जब अलाउड होता है वो सबसे सिंपल केस होता है ना? बस सबसे सिंपल होता है, सही बात। और अब अगर मैं यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताऊं, वेयर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नाउ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। 96। एक मिनट सर, वो नंबर्स घटते जाएंगे एक एक करके। अब बताओ, तो स्टार्ट कर ले, चलो मान लो वन से स्टार्ट करते हैं। वन्स प्लेस पे कितनी चॉइस हमारे पास? फाइव। Five choices, because I have 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, next place पर? Four choices, because हमने कोई एक तो use कर लिया होगा। मान लो मैंने one use कर लिया, मैं one को repeat नहीं कर सकता, repetition is not allowed, तो एक choice कम होगी, ठीक है? फिर next में? Three choices, और last में यहाँ पर? Two. सर इसमें तो डिपेंड करेगा ना कि जीरो हम लोग इंक्लूड करते हैं या नहीं। हाँ सर, मैं वही पूछने वाला था। यहाँ पर डिपेंड करेगा, देखो तुमने वर्ड यूज किया ना, डिपेंड करेगा, यानी अब ये दिस इज नो मोर इंडिपेंडेंट, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रह गया, राइट? ऐड करना पड़ेगा सर। तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हो। नहीं नहीं, अभी हम ऐड करें क्या, हम लिखें क्या, हम तो कंफ्यूज हैं यार। यहाँ पर मैं क्या लिखूं? अगर मैं जीरो यूज कर चुका हूं तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जीरो यूज नहीं किया इसके पहले, तो मेरे पास यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। आई एम नॉट श्योर कि मैं यहाँ पे टू लिखूं या वन लिखूं, तो बात ऐड करने की है ही नहीं। हमको तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे टू लिखेंगे वन लिखेंगे। हाउ टू काउंटर दिस सिचुएशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा, Yes, cases बना सकते हैं, but we have a better way. एक तरीका मेरा ये है और वो ध्यान से देखना। Sir, reverse में start करेंगे फिर? Yes. हाँ sir, उसमें 4-4 डाल के। Fill that block, yeah, that choice first, which has the Which has a stronger condition. उस ब्लॉक को पहले फिल करो, उस choices को पहले फिल करो जहां पर conditions है। ऐसा करने से तुम confused नहीं होगे। और देखते हैं ऐसा कैसे, confused कैसे नहीं होंगे।
सो सबसे पहले उस ब्लॉक को फिल करते हैं जहां पर कंडीशन है. कंडीशन किस ब्लॉक पे है? यहां पर वी हैव अ कंडीशन इम्पोज्ड ऑन 1000 प्लेस एंड दैट कंडीशन इज वी कैन नॉट चूज जीरो. आई कैन चूज वन, आई कैन चूज टू, आई कैन चूज थ्री, आई कैन चूज फोर, बट आई कैन नॉट चूज जीरो. जीरो चूज नहीं कर सकते. सो हाउ मेनी चॉइसेस डू वी हैव? वी हैव फोर चॉइसेस. वी हैव फोर चॉइसेस. अब तुमने या तो वन या फिर टू या फिर थ्री या फिर फोर, इनमें से कोई एक तो चूज कर लिया है, दैट इज फॉर श्योर. अब जब तुम हंड्रेड प्लेस पे आओगे, टेल मी हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव? सर फिर से फोर. फोर फिर से फोर चॉइस. और इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं. कंफ्यूजन इसलिए नहीं है बिकॉज हमको पता है कि या तो मैंने वन या फिर टू या फिर थ्री या फिर फोर को चूज किया है. इन चारों में से किसी एक को चूज करने के बाद अब हंड्रेड प्लेस पे मैं जीरो को वापस यूज कर सकता हूं. जीरो जो है वो हंड्रेड प्लेस पे आ सकता है और एक जो हम यूज कर चुके हैं उसको छोड़कर कोई भी तीन ऑप्शन जो है वो भी चूज कर सकते हैं. यानी कि अब यहाँ पे वापस फोर ऑप्शन है. और अब वापस वही बात है कि दो चूज कर सकते हैं, कर चुके हैं तो तीन बचे हुए हैं, तीन चूज कर चुके हैं तो दो बचे हुए हैं. एंड दिस बार देखो कोई कंफ्यूजन नहीं आया. तो कंफ्यूजन अवॉइड करने का तरीका क्या है? या तुम सेपरेट केसेस बनाओ. यस दैट मेथड इज ऑलवेज देयर. इफ यू आर कंफ्यूज्ड फॉर्म सेपरेट केसेस. बट सेपरेट केस बनाने का मतलब है कि काम को बढ़ाना, टाइम और लगना. तो अगर हमारे पास कोई बेटर मेथड है तो पहले हम उसको सोच लेंगे. अगर उससे आता है आंसर तो अच्छी बात है, अदरवाइज तुम केस बना के आंसर निकाल लोगे, यू नो दैट. तो यहाँ पर आंसर क्या है? सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया हमारा? 4 × 4 × 3 × 2 आंसर इज 96. यस. तो ये जो क्वेश्चन ने सॉल्व किया है, केसेस बना के मतलब कैसे करेंगे हम लोग? केसेस मतलब उल्टा चल रहे हैं और हम ये केस बनाएंगे कि हमने यहाँ पे जीरो यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने जीरो यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने जीरो यूज नहीं किया. दिस इज केस वन. एंड केस टू जहां पे किसी भी एक में हमने जीरो को यूज कर लिया है. दो दो केसेस में स्प्लिट करके आंसर निकालना जो कि स्टिल टीडियस है. सेकेंड जो केस होगा उसमें भी कुछ सब केसेस बनेंगे उसमें. सर केसेस तो बन जाएंगे लेकिन उसके बाद फाइनल आंसर कहां से लाएंगे? करके दिखाऊं? हाँ सर. मान लो केस वन, इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. तुम लोग कह रहे हो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं. यहां पे मैंने जीरो फिल कर दिया. सपोज मैंने यहां पे जीरो फिल कर दिया केस वन. ठीक, जीरो को मैंने यहां पे यूज कर लिया. तो अगर मैंने यहाँ पे जीरो को यूज कर लिया, अब बताओ हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव एट टेंस प्लेस? फोर. फोर सर. फोर थ्री और टू. फोर थ्री एंड टू. इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? फोर थ्री एंड टू. तो मल्टीप्लाई कर लो. इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये तो एक चॉइस है. जीरो मैंने फिल किया है यहाँ पर. कितने हो गए? 24. ठीक, 24 सही है. अब मान लो तुमने जीरो को फिल किया है टेंस प्लेस पे, ये तुमने फिक्स कर दिया जीरो. अब बताओ यूनिट प्लेस पे कितनी चॉइस है? फोर. सर फिर से 24 होंगे. फिर से 24 होंगे, बिल्कुल सही बात. और अब मान लो तुमने जीरो को फिक्स कर दिया है यहां पर. फिर से 24. फिर से 24 होंगे. 4 3 2. और अब तुमने मान लो जीरो यूज किया ही नहीं. जीरो इज नॉट यूज्ड. ऐसा हो सकता है ना कि जीरो को हमने यूज नहीं किया? सर पर रिपीट नहीं कर सकते ना? रिपीट नहीं कर सकते, बट अभी भी चार डिजिट्स हैं हमारे पास. 1 2 3 4 चार प्लेसेस हैं. एक्स्ट्रा डिजिट है ना हमारे पास? 4 रहेगा ना. 2 1 3 2 इंसर्ट. ये कितने केस? ये केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 हैं. और ये कैसे केसेस हैं? सारे एक्सक्लूसिव. व्हाट मेक्स देम एक्सक्लूसिव? लिसन मी. व्हाट मेक्स देम एक्सक्लूसिव? जीरो एट यूनिट्स प्लेस, जीरो एट टेंस प्लेस, जीरो एट हंड्रेड्स प्लेस, नो जीरो. ऑल आर एक्सक्लूसिव. एक दूसरे में कहीं कोई इंटरसेक्शन हो सकता है? अगर जीरो यूनिट प्लेस पे आ गया तो क्या टेंस पे आ सकता है? अगर टेंस पे आ गया तो क्या हंड्रेड्स पे आ सकता है? और आया ही नहीं. ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव. तो इन सबको हम ऐड करेंगे.
add all of them. And what will you get? 96. Same answer. But will you prefer this method? Obviously not. ये मेथड अच्छा थोड़ी ना है जब हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं 96 तो हम ऐसा तरीका क्यों करें बट आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से आंसर निकालने में कोई गलती नहीं हुई ना तो ये था केस बना के आंसर निकालना अब बात समझ में आई केस निकालने का मतलब क्या हुआ केस बनाने का मतलब क्या हुआ बात समझ में आई सर मेरे को डाउट है हाँ ये दो केस में है क्या ऐसा one case is using zero and the other case is not using zero Yes, yes. These are two cases actually. But जो first case था उसके हमारे पास सब cases हैं। Zero हम use कहाँ पे कर रहे हैं? Because zero can be used. 24 into number of sub cases plus the case two का करने का। हाँ, but sub में 24 आ रहा है वो show तो करना ही पड़ेगा ना? हाँ। Beginning है, starting है। मतलब दो cases जरूरत ही नहीं ना, answer directly आ रहा है। Just to explain कि 24 हर case में आएगा, वो चीज़ तो show करनी पड़ेगी ना आपको। 432, 432, 432. And 4321 चलो तो ये था हमारा ये हमारे दो पार्ट्स थे जहां पहला था रेपिटेशन इज अलाउड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इसको नोट करो एक का आंसर आया 500 और एक का आंसर आया 96 इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं नंबर ऑफ इवन Four digit numbers with repetition, without repetition. With repetition and without repetition. Chalo. Chalo, koi ek try karo na, sab log nahi bolenge. Who will try this first part? Would like to have a fresh voice, new one, आज तक जिसने ना attempt किया हो आज try कर ले हाँ एक बार not a bad idea निकलना चालू सर सर लोग भाग रहे हैं अब कैसे पढ़ाया जाए इनको मैं तो कुछ नहीं कर सकता और मुझे पता भी है कौन गया anyways ठीक एक और गया चलो ये पहले भाग जाओ फिर हम शुरू करते हैं निकल जाओ यहाँ तुरंत अब तुरंत यहाँ से फूट लो इससे पहले मेरे दिमाग मेरा खराब हो जाए यहाँ पहले फूट लो जिसको यहाँ से फूटना हो तुरंत पक्का इधर लोग रहेंगे क्या करने क्या आते हो बे कहानी सुनने आते हो क्या कमाल इनको दोनों मैथ्स ली क्यों समझ नहीं आता बायो लेके आराम से डायग्राम बनाते चलो आलोक ट्राई करो फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ इवन फोर डिजिट नंबर्स काउंट करने हमको सेम क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 हमें बस पांच डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 बताओ सो फोर आलोक हेलो हेलो सर आवाज आ रही है क्या बोलो आलोक आ रही बताओ ना सो फोर फोर हाँ कैसे नहीं नहीं 3 3 पहले तुम चॉइसेस बता रहे हो या डायरेक्ट हाँ चॉइसेस अच्छा चॉइसेस कहाँ बता रहे हो तो सबसे पहले तुम कहाँ फिल यूनिट्स यूनिट प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं बस थ्री चॉइसेस कौन-कौन सी चॉइसेस 0 2 4 0 2 4 क्यों भाई सही बोल रहा है वो करेक्ट है नहीं सर क्यों करेक्ट नहीं है भाई एक्सप्लेन करो करेक्ट सर वो मैंने गलत समझ लिया 0 2 4 सही तो बोल रहा है तीन चॉइस है सही तो आलोक को बताओ टेंस प्लेस पर उधर भी 3 आएगा उधर 3 क्यों आएगा
इधर थ्री क्यों आएगा लोग एक्सप्लेन कर सेम डिजिट्स आएंगे ना सेम डिजिट आएंगे बस यूनिट पे ही कंडीशन रहती है ना भाई आएगा ना उसको बोले दो उसको कुछ और समझ में आ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि सेम डिजिट रहेंगे मैंने कब बोला सेम डिजिट रहेंगे सर मुझे शायद कंफ्यूज हो रहा है कंफ्यूज क्यों हो रहा है विद रेपिटेशन का मतलब होता है कि रेपिटेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जरूरी तो रिपीट कराना ही कराना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कि जो रिपीट कराना है उसको ठीक है यहाँ पे या तो जीरो आएगा या फिर टू या फिर फोर क्योंकि तुझे इवन आना था ये तुझे बात समझ में आ गई अब यहाँ पे क्या आएगा तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है भाई ये जरूरी नहीं कि जो वंस प्लेस पे उसको तुझे रिपीट कराना है ठीक है तो कितने ऑप्शन तेरे पास टेंस प्लेस पे कितने ऑप्शन है अरे यहां पर कुछ भी आ सकता है ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहे लोग कि टेंस प्लेस पर कोई भी डिजिट लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल 1 1 3 2 क्या ये नंबर एक्सेप्टेबल है क्या ये एक फोर डिजिट का नंबर है जो इवन है एंड रेपिटेशन इज अलाउड तो वन अगर रिपीट भी हो गया तो हमें दिक्कत नहीं है क्या ये नंबर अलाउड है ये नंबर अलाउड है यूनिट्स प्लेस पर तीन ऑप्शन हमने क्यों बोले बिकॉज 0 2 4 देखो मैंने 2 यूज किया यहां टेंस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है आलोक तो तुम क्या तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे बताओ टेंस प्लेस पर क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या समझ में आ रहा है ये बताओ तो कोई भी इवन नंबर्स आ सकते हैं शायद क्यों भाई इवन क्या बोल रहा है यार कोई नंबर इवन कब होता है अच्छा हाँ हाँ ठीक है 5 5 समझो कोई भी नंबर इवन करने के लिए यूनिट प्लेस ही काफी है ना यार तुम्हें जरूरत थोड़ी ना है कि उसके टेंस प्लेस पे भी इवन हो चलो ठीक है 100 प्लेस बताओ लोग क्या होगा 100 प्लेस पर 6 अरे 5 सर आप कंफ्यूज हो गए एक्स्ट्रा ऑप्शन कहाँ भैया 5 ही डिजिट तो है हमारे पास हाँ तो 5 ही तो रहेगा 5 5 5 अच्छा और लास्ट ये इस यहाँ पर कितनी चॉइस सेम क्या 5 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो क्या 1000 प्लेस पे पांचों ऑप्शन रख सकते हो तुम नहीं आलोक फिर क्या नहीं रख सकते हो 0 तो फिर कितने ऑप्शन बचे 4 4 अब समझ में आ गया हाँ ठीक है इन सबको मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ गया भाई उसका 300 है ना 300 हाँ ठीक क्या सभी को समझ में आया यस सर यस सर यस सर ओके यस सर विदाउट रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन कौन ट्राई करेगा विदाउट रेपिटेशन जो है चलो प्राप्ति प्राप्ति ट्राई करो विदाउट रेपिटेशन यस सर सर यूनिट प्लेस पे 3 यूनिट प्लेस पर 3 एंड रिमेंबर 1000 फिल दैट चॉइस फर्स्ट व्हिच हैज द स्ट्रॉन्गर कंडीशन So you selected unit place, which is fine because unit place pe condition hai. Kya condition hai? We have to choose an even digit. Bilkul theek hai. Which block has to be filled next? 1000 place. Yes, because it has a condition. What is the condition? Zero cannot be used. Zero cannot be filled. Correct. So how many choices are left? 4. Prapti? 4. Are you sure? Yes, sir. Explain me. So, without zero, कुछ छोड़ के सब use कर सकता है ना? सही बात है. But यहाँ पे without without repetition लिखा हुआ है. Three. अच्छा.
तुमने चेंज कर दिया और उसको थ्री कर दिया. हाँ. Are you sure about three? सर ऐसे कंफ्यूज मत करो. हाँ. मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे एक एक्चुअली कंफ्यूजन है. ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन है. अभी देखो, चलो रजत, रजत बताओ, फोर या थ्री? सर अगर जीरो लास्ट डिजिट का तो चार होगा. दोनों हो सकते हैं सर. केसेस सर, इसमें केसेस कन्वीनिएंट रहेंगे. और यस, सो दिस इज नो मोर इंडिपेंडेंट. सर केसेस कन्वीनिएंट नहीं सर, केसेस अब ये इंडिपेंडेंट रह गया. इट डिपेंड्स हाउ. इफ यू आर यूजिंग जीरो, अगर तुम यहां पे जीरो यूज करते हो, सपोज जीरो एज ए डिजिट, क्योंकि जीरो इवन बना देगा नंबर को. अगर तुमने जीरो को यूज कर लिया तो अब तुम्हारे पास चार चॉइसेस बचती हैं फिल करने के लिए. यू हैव ऑल सर, वो यूज कर सकते हैं. बट अगर तुमने टू या फिर फोर चूज किया होता, मान लो यूनिट्स प्लेस पे या तो टू चूज किया होता या फिर फोर चूज किया होता. अब मान लो मैंने टू चूज कर लिया तो मैं जीरो तो चूज कर नहीं सकता. जीरो इज नॉट ए चॉइस एट फर्स्ट प्लेस. टू मैं यूज कर चुका हूं. Now I have three choices left. So both are correct. Three bhi correct hai, four bhi correct hai, but conditionally. It depends, hai na? So yahan par answer directly mat nikalna, galat ho jayega. Kisi ne bhi four ya three likke answer nikala, to galat ho jayega, answer sahi nahi hoga. Answer nikalne ka method kya hai mara? We have to form separate cases. Ab dekho, main cases kaise form kar raha hun. Case one. Obviously case one mein kya hai? जीरो एट यूनिट्स प्लेस. ठीक, तो जीरो को मैंने यूनिट्स प्लेस पे फिक्स कर दिया. व्हाई जीरो कैन बी फिक्स्ड? बिकॉज जीरो विल मेक योर नंबर इवन. है ना, जीरो पे एंड होने नंबर इवन होता है. नाउ वी हैव थ्री प्लेसेस, थ्री ब्लॉक्स लेफ्ट. और अब बताओ मुझे चॉइसेस हमारे पास कितनी है और कहां पे फिल की जाए. सबसे पहले इसको फिल करो. I have four choices here. Three choices. Next place for two choices. Zero ko multiply mat kar dena, warna zero number ban jayenge na. Yahan pe kitne numbers ho gaye? 24 numbers ho gaye. This is case one. And what is case two? Two sir. Or four? At units. Unit place. तो अगर यहाँ पे टू या फोर आ जाता है, के लिए बने, फोर के लिए बनेगा, राइट? टू और फोर. टू और फोर का मतलब है वी हैव टू चॉइसेस. सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है. तुम कर भी सकते थे दो सब केसेस बना के, बट एक साथ कर लो ना. लेकिन दोनों सेम ही रहेगा ना सर? हाँ, दोनों सेम ही रहेगा. टू और फोर, अगर इनमें से कोई भी एक हमने फिल किया तो 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से या तो हम 2 चूज कर चुके हैं या फिर हम 4 चूज कर चुके हैं. टेल मी एट थाउजेंड्स प्लेस हाउ मेनी चॉइसेस आर लेफ्ट? 1, 3. व्हाई डिड यू से 1? सर आई स्टार्टेड फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड से किया तो भी ओके. नहीं, सॉरी. So, टू और फोर में से मान लो हमने टू चूज कर लिया तो ये एक चॉइस खत्म हो गई. एंड जीरो कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर थाउजेंड प्लेस. जीरो कैन नॉट बी सिलेक्टेड. सो टू चॉइसेस आर डिस्कार्डेड. ओनली थ्री ऑप्शंस आर लेफ्ट. थ्री. नेक्स्ट प्लेस यहां पे बताओ. वापस थ्री, क्योंकि जीरो अब वापस आ सकता है. जीरो आ सकता है तो वापस ये थ्री हो गया. दो हम यूज कर चुके हैं और यहां पर टू हो गया. और ये अब टू से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज टू और फोर दो ऑप्शन. तो ये कितना हो गया? 3 × 3 = 9 × 2 = 18 × 2 = 36. एंड केस वन एंड केस, सॉरी आई हैव अ डाउट इसमें थोड़ा. हाँ, आपने टू एंड फोर को अगर लास्ट केस में टू सिलेक्ट किया तो आप टू या फिर फोर रखोगे तो दोनों में से एक ही रखोगे. सो देन यू हैव फोर ऑप्शंस लेफ्ट. देन आई हैव फोर ऑप्शंस लेफ्ट.
four options left for which place? 1000 place? No, for the... Okay, no, I got it. I understood. You understood? Yeah, you have yes. to go for that position which has a stronger condition. So after units place, you have to move to thousands place because there's a condition involved. Zero cannot be used. All right? So 36. And these two cases are exclusive. 24 and 36. So 24 plus 36, your answer is add karna padega, right? Those separate cases are exclusive. And your answer is 60. इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली बहुत लोगों का रॉन्ग आता है क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं और वो केसेस बनाते नहीं है. दे आइदर गो फॉर थ्री और फोर, कंफ्यूज होके या तो फोर या थ्री लिख देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, गलत हो जाता है. किसी का 72 आता है, किसी का कुछ आता है. तो ध्यान रखना इन चीजों का. अब तुम्हें वर्ड इंडिपेंडेंट की मीनिंग समझ में आ रही है? बिकॉज द मोमेंट यू सेट इट डिपेंड्स, इट इज नो मोर इंडिपेंडेंट. इट डिपेंड्स, करेक्ट? इट डिपेंड्स वेदर यू टेक जीरो और नॉट. It is no more independent. That is the meaning of the word independent. ठीक है, समझ में आ रहा है? Note कर लो उसको, इस part को note करो. Number of even four digit numbers. Sir, जैसे एक example दे रहा हूँ मैं. एक room में समझिए n number of people है, तो सब लोग मतलब shake hands करेंगे, तो कितने cases बनेंगे? PNC के type की questions है क्या? बिल्कुल PNC तो है यार. Sir, super 30 की बात चल रही है. अब ये सब जो मूवीज देखते हो, अब वो क्वेश्चन सॉल्व करवा के बहुत खुश हो गए भैया जी, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हारा सीटी में भी होने वाला है नहीं. मतलब बहुत ही बेसिक और फालतू सा क्वेश्चन है ना, जो मतलब वैसे भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए. आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड एवरीवन शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Not talking about those exclusive ones were power cut. सर ऐसे टाइप के एनटीएसी में भी आते थे. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लॉजिकल चीजें हैं यार. ये चैप्टर पूरी तरह लॉजिकल है और इस चैप्टर को करने के बाद जो है ना, तुम्हें फील होगा कि हाँ तुम्हारे अंदर थोड़ा सा जो लॉजिकल एबिलिटी है तुम्हारी इंप्रूव हुई है. होता है, इट विल वर्क इन ऑल डायरेक्शन. केवल मैथ्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारे वो इम्प्रूवमेंट में फील होगा. थिंकिंग इम्प्रूव हुई है ना यार. तो इसको एक बार में करने वाला दिखाऊंगा. शुरुआत में करवा देना चाहिए था. नहीं, उसके लिए भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करना जरूरी था, थोड़ा उस मोड में आना जरूरी था. टेंथ के बाद सडनली आया था, तो अभी तो स्टार्टिंग है ना. अभी तो तुम जो देख रहे हो बहुत ही बेसिक चीज है. सर ये इस क्वेश्चन को मतलब एक बार में कर सकते हैं? हाँ, वो एनपीआर एनपीआर वगैरह वो सब. हाँ एक बार में कर सकते हैं, बट अभी मत जाओ उस पर. एक बार में जबरदस्ती करना पड़ेगा उसको, तो वहां मत जाओ. सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं फिलहाल. सर टोटल निकाल के केसेस माइनस वो वाले केसेस जिसमें जीरो आ गया फर्स्ट प्लेस पर, ये भी एक तरीका है. बट तुम्हारे लिए बेटर भी है कि तुम केसेस फॉर्म करना सीखो, बिकॉज इवेंचुअली विद इन 2 मिनट्स क्वेश्चन सॉल्व ना हो, 5 मिनट्स में हो, बट क्वेश्चन सॉल्व होगा पीएनसी का. ठीक है, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट पार्ट पे आए. सॉल्व कर लिया ना तुमने? हाँ सर, आपका आवाज चला गया था. अभी तो आ रही है? डिविजिबल बाय 3. Without repetition, number of 4-digit numbers divisible by 3 without repetition. Sir, इसमें पहले combos बनाएंगे ना कि कौन से numbers के दो combinations से 3 से divisible होगा.
यस तो सर एक वन एंड टू होगा. अबे कॉम्बोस चार के बनाओगे ना, दो के थ्री बनाओगे सर? मतलब पहले टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट फिक्स कर लेंगे वो बाद में करना, वो बाद में करना. पहले हम सबसे पहले ये सोचो कि डिविजिबिलिटी बाई थ्री होती क्या है. डिविजिबिलिटी बाई थ्री होती है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो थ्री से डिविजिबल होना चाहिए. सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई थ्री. अब यहां पे तुम्हारे पास पांच डिजिट्स हैं तो सबसे पहले उन चार डिजिट्स को सेलेक्ट करो जिनका सम थ्री से डिविजिबल है. गिव मी दोज फोर डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर डिजिट्स. बताओ कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल. जीरो जीरो वन टू थ्री. जीरो, बिल्कुल सही बात है. और क्या हो सकता है? जीरो टू थ्री फोर. ओके जीरो टू थ्री फोर. ओके और कोई पॉसिबल है? No. और कोई पॉसिबल नहीं है. रिमेंबर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. एक नंबर तुम्हें बेसिकली छोड़ना है. तुमने यहाँ पे क्या छोड़ दिया? तुमने फोर छोड़ दिया, यहाँ पे तुमने वन छोड़ दिया. यहाँ पे सम देखो नाइन आ रहा है सेकंड केस में और फर्स्ट केस में सिक्स आ रहा है. बिल्कुल सही है. अब कितना ईजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना. तुम्हें यूज करना है जीरो को, वन को, टू को और थ्री को और तुम्हें एक फोर डिजिट का नंबर फॉर्म करना है केस वन में. सबसे पहले किस प्लेस को फिल करना चाहिए? हाउ मेनी चॉइसेस? थ्री. नेक्स्ट नेक्स्ट करेक्ट. और सेकंड केस में आ जाओ, सेम ही तो रहेगा. क्यों भाई सेम ही रहेगा ना. सो योर आंसर इज 18 यहां पे, 18 यहां पे आंसर इज 18 plus 18. 28. What? 28? 28 क्यों बोल रहे हैं? सर वो 10 जैसे दिखा, सॉरी. अरे 3 into 3 into 2 दिखा, जो भी मल्टीप्लाई तो कर लो. आंसर इज 36. 36 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे. 60 ऐसे होंगे जो इवन होंगे. हम सब निकाल ले रहे हैं. ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब जो यूनिट्स प्लेस जो है उसमें या तो जीरो आएगा या वन आएगा या थ्री आएगा. मतलब उसमें बेसिकली ये नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता. अबे यूनिट्स प्लेस तो कुछ भी आ सकता है, क्या बात कर रहा है. क्यों नहीं आ सकता टू यार यूनिट प्लेस पर? ये नंबर 4023 या 4032. अरे भैया थ्री से डिविजिबिलिटी में यूनिट प्लेस सेकंड या हंड्रेड प्लेस पे कुछ भी आया फर्क क्या पड़ता है? एज लॉन्ग एज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री, द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय थ्री, खत्म हो गई बात. तो यूनिट थाउजेंड पे क्या आ रहा है फर्क क्या पड़ता है? यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जीरो जो है फर्स्ट प्लेस पे मतलब थाउजेंड प्लेस पे नहीं आना चाहिए. दैट्स इट. एक पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करेंगे ठीक है. क्या है वो पार्ट? नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय फोर ठीक है. और इसमें पहला पार्ट है विद रेपिटेशन और दूसरा पार्ट है विदाउट रेपिटेशन. विद रेपिटेशन, विदाउट रेपिटेशन ठीक है ना. तो ये वाला पार्ट तुम्हें खुद करना है. Alright. इस एक पार्ट को कर लेना. आज क्या वेंसडे है ना, तो कल तो हाँ कंटिन्यूस में ठीक है. तो बाइनोमियल वाला कंप्लीट करो अपना होमवर्क. डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ वो जो नोट्स मैं भेज दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ. उसके बाद जो बचेंगे डाउट्स वो हम लोग 6 o'clock के बाद डिस्कस करेंगे आज. सर आप 15 मिनट्स पहले इन्फॉर्म कर दोगे ग्रुप में कि होगा डाउट क्लास? यस यस 1 आवर प्रायर टू. थोड़ा सा लेट हो सकता है क्या? हां सर, बताओ. 7 सर 8 तक ले लीजिए ना. हां सर 8 रख दीजिए. ठीक है ठीक है, चलो 8 o'clock के लोन करते हैं ठीक है सर. लेवल 2 अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. आई नीड इन्वॉल्वमेंट गाइस. ऐसा देखो ये नहीं चलेगा यार ठीक है.
हाँ सर हो गया. आई नीड इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एवरीवन. ऐसा नहीं चलेगा कि 10 लोग पढ़ रहे हैं 20 लोग नहीं पढ़ रहे हैं. मेक योर चॉइस क्लियर टू योर पेरेंट्स टू योरसेल्फ. ये बहुत होमवर्क है क्या जो आपने नीचे दिया है? ये एक पार्ट होमवर्क है. तो मैं फिर से अपील कर रहा हूँ जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं इन्वॉल्व होते हैं समहाउ इन्वॉल्व होना शुरू करो. व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. आज से स्टार्ट कर लो. हो सकता है कि आज के पहले तुम जो है यू आर लिविंग इन फॉल्स वर्ल्ड ऐसा कुछ कि हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे फिर हाथ से लगता है निकल जा रहा है टाइम. अभी भी चार पांच टॉपिक्स ही हुए हैं. आज से स्टार्ट कर लो. दिस इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. सेकेंड ट्रैक स्टार्ट होगा दैट वुड बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. कहीं कोई डिपेंडेंसी नहीं है. आज से स्टार्ट कर लो यार. सर ट्रैक तो इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट मींस कि अब तक जो हमने पढ़ा है उस पे कोई खास डिपेंडेंसी नहीं होगी. दैट्स अ कोनिक स्टार्ट हो रहा है. तो मतलब अगर उस चीज का बेसिक आईडिया है तो भी मतलब ट्रैक तो निकल जाएगा ऐसे टाइप का. बिल्कुल निकल जाएगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है. 10th स्टैंडर्ड में जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है वो भी रिवाइज हो गई यहां पर. तो कोई खास हां इतना जरूर है कि हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लग जाए कहीं पे थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक लग जाए. जितनी तुम्हें आती कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा. तो ऑलमोस्ट आगे आने वाले टॉपिक्स इंडिपेंडेंट रहेंगे. ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है. सर कौन से सर होंगे वो बता दिया जाएगा. तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये भाग रहे हैं ना यार ये भाग इनको भगड़ों को जो है मैं नहीं नोटिफाई कर रहा हूँ ग्रुप पे. मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को. मैं सोच रहा हूँ कि शायद अब तुम सही हो जाओगे अब तुम सही हो जाओगे. लेकिन अब एक क्रंच टाइम आ गया है. अब के बाद अभी आगे से ये होगा तो इट वोंट बी टॉलरेबल फ्रॉम माई साइड. ऑलराइट सो आई एम गोइंग टू टेक सम एक्शन. Trust me, because I have to take. अब बहुत हो गया. ऐसा नहीं चलेगा. High time. सभी लोग involve हो और जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है